नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका आज आ गई हूँ अपनी बर्थडे सीरीज के वीडियो फिफ्थ वीडियो के साथ। एंड यस, आई मेड इट टू फिफ्थ, जस्ट वन इज पेंडिंग, बट आई एम वेरी हैप्पी। और आई होप आपको मेरे वीडियोज ऐसे पसंद आ रहे होंगे, बिकॉज आई हैव ट्राइड टू यू नो सर्च अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आफ्टर दैट मैंने ये सब कुछ किया, वीडियो बनाए हैं। तो आई होप आपको पसंद आएंगे। एंड आज का जो टॉपिक है वो है मेकअप ऑर्गेनाइजर्स के बारे में। मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स की बात पहले भी की है, बट अभी जो मैं मेकअप ऑर्गेनाइजर्स की बात करने वाली हूँ वो स्पेसिफिकली मेकअप रखने के लिए ही है। और मैं बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजें नहीं बताऊंगी अपने वीडियो में, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू इन्वेस्ट अ लॉट इन ऑर्गेनाइजर थिंग्स, क्योंकि उससे बेटर है कि आप मेकअप और इसमें इन्वेस्ट कर लो। सो आई डोंट वॉन्ट दैट मच कि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करो ऑर्गेनाइजर्स में। दैट इज वाई मैंने बहुत ज्यादा नॉमिनल रेंज के ऑर्गेनाइजर्स ढूंढे हैं, और जो कि वैसे ही मतलब एफिशिएंटली काम करेंगे, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और इवन आपका जो वार्डरोब या ड्रेसिंग टेबल है जहां पे आप अपना मेकअप रखते हो, बहुत ऑर्गेनाइज दिखने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो द फर्स्ट ऑर्गेनाइजर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर। दिस इज द लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर आई हैव, एंड ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था। तो मैक्सिमम ऑफ ऑर्गेनाइजर जो है मैंने अमेजोन से ही परचेज किए हैं, तो मैं आपको इनका लिंक जरूर दे दूंगी। और ये बिल्कुल कॉस्टली नहीं है, इसका कुछ प्राइस 250 रुपीज था। और इवन अगर आप इसके साथ 4-5 या 4 पीसेस या 2 पीसेस खरीदते हो, तो इसमें कुछ कुछ ऑफ भी था, मैं आपको मेंशन कर दूंगी वो डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। बट ये कुछ ग्लास फाइबर है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, आई एम टेलिंग यू बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत स्टर्डी है और बिल्कुल ऐसा क्लासी दिखता है, लगता ही नहीं है 275 रुपीज का है। एंड इवन आप इसमें बहुत सारी लिपस्टिक्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, इसमें आप 24 लिपस्टिक्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और इवन इनके जो ब्लॉक्स है ना वो इतने बड़े हैं कि अगर आपके पास दो जो पतली पतली लिपस्टिक्स होती हैं वो इवन दो आ जाएंगी एक में, तो ये बहुत अच्छा है। मैंने इसे 2 पीसेस खरीद के रखे हुए हैं और आई एम इवन थिंकिंग टू बाय मोर। देखो, मेरे पास तो बहुत सारा मेकअप है इसलिए मेरे को इसकी ज्यादा जरूरत है। अगर आप एक पीस भी ले लेते हो ना, एंड इफ यू आर ए पर्सन हु हैज अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ मेकअप, तो भी आपका काम बनने वाला है। और इससे क्या होता है ना यार, आपकी लिपस्टिक्स आपको एकदम प्रॉपरली विजिबल होती है। तो मैंने जो भी ऑर्गेनाइजर्स आपको बता रही हूँ ना, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमको क्या होता है, विजिबिलिटी के कारण हम बहुत सारी चीजें जो है वो लगाना भूल ही जाते हैं। क्योंकि जब टाइम होता है, जब हम मेकअप कर रहे होते हैं, हमें वो चीजें मिलती नहीं और फटाफट जो सामने दिखते हैं वो लगा लेते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजर्स मैं आपको बताऊंगी ना, ये आपका मेकअप एक बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। यू आर एबल टू सी ईच एंड एवरी प्रोडक्ट लाइक ऐसे कि अच्छा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो इस तरीके से मैंने इनको मतलब डिवाइड किया है कैटेगरीज में। द सेकेंड कैटेगरी इज योर फाउंडेशन कॉम्पैक्ट एंड लाइक इन जनरल ऑर्गेनाइजर। सो इन जनरल ऑर्गेनाइजर में मैंने जो प्रोडक्ट लिया है वो है कुछ इस टाइप का। ओके, सो ये है, इसमें ऐसे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बॉक्स है। और ये मुझे 4 का कुछ सेट मिला था अराउंड 300 रुपीज में, बट एग्जैक्टली मैं मेंशन करती हूँ डिस्क्रिप्शन में, उतने में मिला था। और ऐसे 4 है मेरे पास। और मैंने क्या कर रखा है ना, ये बहुत सॉर्टेड है। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे मैंने सारे कंसीलर्स रख रखे हैं, यहाँ पे मैंने अपने सारे फाउंडेशन रख रखे हैं, यहाँ पे मैंने जो होता है ना BBCC क्रीम एंड लाइट बेस वेरी डेली वियर फाउंडेशन वो रख रखे, यहाँ पे मेरे प्राइमर्स हैं। तो ये तो एक बॉक्स है जहाँ पे मैंने कुछ कुछ रख रखा है, और यहाँ पे मेरा मेकअप फिक्स है। तो यहाँ पे एक और स्पेस है अभी आने की। तो अगर आपका मैं सोचूं तो आप ये एक पीस ले लोगे और आपका मेकअप टोटली ऑर्गेनाइज हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, आपके पास इतने मल्टीपल चीजें नहीं होंगी ना, तो यू कैन कीप कंसीलर एंड फाउंडेशन इन वन एंड देन इन कॉम्पैक्ट एंड देन कॉन्टोर एंड एनी वेज अदर थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू की। तो ये बहुत अच्छा टाइप का ऑर्गेनाइजर है। इसमें 4 पीसेस मिलते हैं, 6 कंपार्टमेंट है इसके। तो इससे क्या होगा ना कि एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा, और एकदम से बॉटल्स या कुछ चीज जैसे ड्रेसिंग खोलो कभी कुछ गिरने की प्रॉब्लम मतलब जो टेंडेंसी होती है हमारे जमान की वो नहीं होगी। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। वॉज माई सेकेंड ऑर्गेनाइजर। लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड वन। So the third organizer that I am going to talk about is, your pencils, liner, lip
प्राइमर एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स इनको कैसे ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि क्या होता है ये बहुत पतले पतले से होते हैं, ठीक है। अब आपने अगर इसको एकदम से पाउच में रख दिया, अब उस टाइम पे ढूंढना निकालना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैं जो ऑर्गेनाइजर की बात कर रही हूँ वो कुछ इस टाइप का है। सी दिस इज नॉट स्पेसिफिकली मेकअप ऑर्गेनाइजर, दैट वॉज अ पेन होल्डर, पर मेरे को ये ज्यादा अच्छा लगा कि मैं इसको एज अ मेकअप ऑर्गेनाइजर यूज करूं, क्योंकि सी यहाँ पे मैंने क्या हुआ है, यहाँ मैंने अपने लाइनर रखे हुए, यहाँ पे देयर आर काजल्स कलर्ड ऑल्सो एंड ब्लैक ऑल्सो, देयर आई हैव लिप पेंसिल्स एंड यहाँ पे मेरे मस्कारा है। तो आप देख सकते हो इतना सा स्पेस लेने वाला है ये आपके वार्डरोब में और आपको सब कुछ कितना अच्छे से विजिबल है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, अगर मतलब आपको भी ऐसे पेंसिल्स या ये सब हैं आपके पास बहुत सारे, और यार ये तो होते ही हैं क्योंकि हम लिप लाइनर लिप पेंसिल काजल वजल तो हम ऐसे ही उठा लेते हैं कभी शॉपिंग करने जाए, तो उसको ना ऐसे डिवाइड करके रखने में विजिबिलिटी बढ़ाना इज वेरी गुड थिंग। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी नाइस थिंग, और मैं जो भी बता रही हूँ उनका सबका क्वालिटी आप कभी उस पर बोल ही नहीं सकते कि वो बुरी है, क्योंकि मैंने खुद एक दो बेकार प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, उसके बाद अच्छे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। तो क्वालिटी की चिंता बिल्कुल मत करना, दे आर गोइंग टू बी यू नो अ वेरी गुड क्वालिटी। सो या दैट वॉज माई थर्ड ऑर्गेनाइजर, लेट्स मूव टूवर्ड द फोर्थ वन। सो फोर्थ ऑर्गेनाइजर इज नथिंग बट मेकअप पाउचेस। आई नो कि हम लोग हर ये तो घर पे ऑर्गेनाइज करने की बात हो गई, अब हमको बाहर जाना है, अब क्या करें, तो अब हम कैसे ऑर्गेनाइज करें। तो मैंने दो टाइप के पाउचेस आपको बताने वाली हूँ, वन इज द ब्रॉडर वन एंड द अदर इज द थिनर लीनियर, लाइक विड्थ ज्यादा है। ये ऑर्गेनाइजर दोनों दो पाउचेस मैंने नायका से लिए हैं, और मैं क्यों इन दोनों को ही मेंशन करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत कूल दिखते हैं, देख रहे हो कितना शिमर, कितने ट्रेंडी है, मतलब इवन अगर आप इसको अपने पर्स में भी रखोगे तो बहुत कूल लगेगा अगर आप इसको निकालते हो कहीं भी पाउच है, इट्स वेरी ब्यूटिफुल एक्चुअली। तो ये दोनों मैंने नायका से खरीदा थे, और ये जो है ये दिस वन इज लिटिल बिट ऑफ ब्रॉडर वन। तो इसमें क्या है कि आप जैसे कहीं भी मार्केट जा रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो, हैंग आउट के लिए जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा बहुत तो मेकअप रख के ले जाना ही होता है। तो इसका क्वालिटी आप देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा, थोड़ा बहुत फॉल आउट है आई अंडरस्टैंड, बट इससे इसका मतलब लुक तो खराब नहीं होने वाला है, दैट इज वेरी नाइस। मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी है, और इवन मतलब लिटिल बिट ऑफ वाटर प्रूफ इट इज, क्योंकि इसके अंदर एक और अस्तर है एंड देन इट देयर इज वन मोर। तो मुझे तो बहुत पसंद है और मैं हमेशा इनको कैरी करती हूँ, इवन एक दो लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि आपने कहाँ से लिए ये। तो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल और इनका प्राइस कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, दिस वॉज लाइक 200 रुपीज, और अभी तो नायका का सेल चल रहा है तो वो और सस्ते में है, एंड दिस वॉज लाइक 250-300 अराउंड। तो यार ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, ये बार बार नहीं करना होता है आपको, जब भी आप ट्रेवल करो इसमें अपने लाइनर पेंसिल लिपस्टिक एंड ऑल ये सब रख लो, इसमें फाउंडेशन कॉम्पैक्ट कॉन्टोर और कंसीलर रख लो, दो पाउचेस और यू आर टोटली सेट, और ये आपके बैग में कहीं भी आ जाएंगे बहुत ईजिली और बहुत ट्रेंडी भी लगते हैं। So this was my fourth organizer. Let's move towards the fifth. So the fifth organizer is little bit kind of a big box. ओके और ये भी हमारे पास होना जरूरी है, क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू आर अ मेकअप जंकी, ओके तो आपके पास काफी मेकअप होता है, एंड इफ यू वॉन्ट टू कैरी इट, मतलब छोटे छोटे पाउचेस में नहीं आ सकता है वो, एंड यू वॉन्ट टू हैव अ प्रॉपर स्पेस जहां पे आप लैशेज सब सारी चीजें मतलब All things you want to keep in one place, तो आप चाहते हो कि जैसे आप just वो bag उठाओ और you just go anywhere और अपना makeup करके आ सकते हो, ऐसा कुछ आपको चाहिए तो उसके लिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ। So I am talking about this type of makeup organizer. ये भी मैंने Amazon से purchase किया है, and this is a very good makeup organizer. देखो इसमें ऐसे different compartment है, and this is removable. ये निकल जाता है, आप इसमें अपने कंपार्टमेंट की साइज भी चेंज कर सकते हो, इफ यू वांट जस्ट कि एक लंबा और एक ये रहे, ये भी आप कर सकते हो, ये निकल सकता है आराम से। तो यहाँ पे तो आप अपना सारा मेकअप रख सकते हो, कंसीलर एंड ऑल एवरीथिंग। यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेस है, ये चार है और इसमें काफी स्पेस है, तो यहाँ पे आप अपने ब्रश और पेंसिल्स आईलाइनर मतलब ट्रेवल के हिसाब से तो बहुत ज्यादा आप नहीं रखोगे ना, तो वो सब रख सकते हो। यहाँ पे एक और स्पेस है हमारे पास, ये देखो यहाँ पे आपके आई शेडो पैलेट्स आ जाएंगे, और लाइन मतलब आपका जो आई लैशेज है वो रखना है छोटे से बैग में तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इतना ज्यादा
स्पेस है ना इस बैग में कि मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत सारा सामान आ जाता है. इवन मैं मतलब व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड मुझे अपना मेकअप कैरी करना था, आई हैव टेकन जस्ट दिस वन एंड मेरा फुल मेकअप सेट था. बहुत ही अच्छी चीज़ है ये. सो या यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. ये थोड़ा कॉस्टलियर साइड है बट दिस इज ऑल्सो वन टाइम इन्वेस्टमेंट. ये कुछ 900-800 रुपए का होगा बट इट्स वर्थ एवरी पेनी. लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन. सो लास्ट ऑर्गेनाइजर इज ऑल्सो यू नो अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजर दैट यू कैन कीप इन साइड ऑफ वार्डरोब और योर ड्रेसिंग टेबल. सो आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रश एंड कॉम्ब ऑर्गेनाइजर. दिस इज आई हैव ऑल्सो परचेज्ड फ्रॉम Amazon एंड ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का. सी मैंने क्या किया है ना, आई जस्ट मूव टू दिस काइंड ऑफ मटेरियल. ओके इट्स आई डोंट नो इट्स अ फाइबर, ग्लास फाइबर यू कैन से दैट, बट ये बहुत कूल लगता है सिंस इट्स ट्रांसपेरेंट तो एक ग्लास वाला लुक देता है. एंड एनी वेज जब भी आप अपने ऑर्गेनाइजर या कभी भी किसी चीज में ग्लास को इंक्लूड करते हो ना तो वो ना ग्लास को इंक्लूड करते हो ना तो वो उसका यू नो लुक बहुत ज्यादा इनहांस कर देता है. बहुत ज्यादा मतलब इट विल लुक लाइक अ वेरी क्लासी थिंग. तो मैंने इसीलिए इस पे स्विच करने का सोचा. मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने सारे मेकअप ब्रशेस रखे हैं, इनको पार्डन नहीं है बहुत ज्यादा गंदे हो रहे हैं, इनको धोना है मुझे. तो यहाँ पे मैंने ये वाले साइड में छोटे वाले ब्रशेस रखे हुए हैं कुछ, एंड दिस वन आई हैव दिस बिग ब्रशेस तो मैंने यहाँ रखा हुआ है. एंड पीछे ऑल माई स्टाइलिंग कॉम मतलब कर्ल करने के लिए, एंड दैट वॉज अ ब्रश जो गिर गया है वो मैं यू नो दैट वॉज अ बिग कॉम, इसको टैंगल्स को रिमूव करने के लिए यूज करती हूँ. तो ऐसे करके आप इसको ना एक जगह बस रख दो, आपका सब कुछ एक दो. तो आपको अलग से ब्रश के लिए कुछ नहीं खरीदना होगा, कॉम के लिए कुछ नहीं खरीदना होगा, ये साथ में भी है और अलग भी है. तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस. That was the sixth thing. So I hope आपको मेरा ये organizer वाला video पसंद आया होगा और आपको चीजें useful लगी होंगी. अगर useful लगी हैं तो मुझे बताओ comment section में यार. Show some love in comment sections. And yes, here finishes my fifth video of my birthday series. At last but not least, believe in the philosophy of loving yourself. So, मिलते हैं कल के वीडियो में. कल के वीडियो के लिए जरूर कनेक्टेड रहिए बिकॉज दैट वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इन्फॉर्मेटिव वीडियो. बाय बाय.